बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोक दल के बैनर तले गठबंधन के बांसगांव प्रत्याशी सदल प्रसाद और गोरखपुर सदर से राम बुहाल निषाद के नामांकन के अवसर पर चंपा देवी पार्क में बुधवार को एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आर एस कुशवाहा और सपा के पूर्व मंत्री बलराम यादव सहित सपा बसपा के पूर्व सांसद विधायक सपा बसपा के जिला अध्यक्ष सहित दोनों दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों भारी मतों से विजयी बनाकर संसद पहुंचाने का काम करें। जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन के बांसगांव क्षेत्र के प्रत्याशी बसपा के सदल प्रसाद ने कहा, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन के सदर लोकसभा के सपा के प्रत्याशी राम बुहाल निषाद ने भाषाई मर्यादा को तार तार करते हुए भाजपा प्रत्याशी को नचनिया कहा और उन्हें बलि का बकरा बताया। आपको अगर नीचे उतरने के लिए कहा गया तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, मैं किसी को भी होने जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। हम चाहेंगे कि जो मंच पर साथी है सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गठबंधन का प्रतीक बनाने काम करें और आग्रह करेंगे अपने जिलाध्यक्ष गोरखपुर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी सपा बसपा जिंदाबाद। जो माला जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय और अति खजनी जी भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी अपील करता हूँ और जो भी यहाँ के लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह है। हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने आपके बीच काम किया है, इसलिए हमारा हक बनता है वोट मांगने का। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि ये विकास की बात करने वाले लोग भाजपा के, कि विकास के नाम पर शून्य ये लोग, ये संजोग है कि हमारे दोनों प्रत्याशी पूर्व मंत्री हैं और दोनों दो दो बार विधायक रहे हैं और दोनों समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से रहे हैं, समाजवादी में भी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, जनता दल में रहे, एक साथ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी बड़े नेता आगे बैठे हैं, मैं उसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों ने जिस धैर्य और जिस अनुशासन का परिचय दिया है, आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि आगे भी इसी तरह का आप लोगों के द्वारा हमें सहयोग मिलेगा और आने वाले 19 तारीख को जो ऐतिहासिक दिन होगा और कत्ल का दिन होगा, उस ऐतिहासिक दिन में इतनी बटन दबा दीजिए गोरखपुर में साइकिल की और बांसगांव में हाथी की, हाथी और साइकिल दोनों मिलकर के इस देश में ये महागठबंधन महापरिवर्तन कर देगा। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, मैं बात को अपने विस्तार में नहीं ले जाऊंगा, ध्यान रखने की बात है जिन उद्देश्यों को लेकर के गठबंधन कायम हुआ है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये जितने भी छिटके हुए वोट है सभी को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है और मैं गठबंधन का प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में हूँ, तीसरी बार हूँ। एक बार पहली बार लड़ा था 2004 में, मात्र 13,000 वोटों से हारा था। दूसरी बार 2014 में 2,28,000 वोट पा करके दूसरे नंबर पे था और तीसरी बार पुनः आप सभी लोगों के बीच में हूँ। सांसद के रूप में तो आप लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन विधायक के रूप में, मिनिस्टर के रूप में आप लोगों ने जरूर देखा है सदल प्रसाद के आचार विचार संस्कार और व्यवहार को। कोई भी सदल प्रसाद के पास गया है तो सदल प्रसाद दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके, जात विशेष से ऊपर उठ करके पूरी ईमानदारी के साथ राजधर्म को निभाने का कार्य किया है। सदल प्रसाद सिर्फ इस बात को जानता है। आज मैं आप सभी लोगों से याचना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मेरी लड़ाई जिससे है, जिसको आप 10 साल तक दे चुके हैं, मेरी लड़ाई जिससे है, जिसकी माँ को 5 साल दे चुके हैं, मैं आप सभी लोगों से याचना करता हूं कि सदल प्रसाद को 17वीं लोकसभा में सिर्फ 5 साल के लिए देखने का कार्य करें। इस याचना के साथ, इस विनती के साथ
मैं आप सभी लोगों का और मंच पे जितने भी सम्मानित नेता मुझे और माननीय मंत्री श्री राम भवाल जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए, सभी का वंदन करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, महान मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक दल जिंदाबाद। तो आप सभी लोग पेपर पढ़ते हैं, सबको पता है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ढूंढे नहीं मिल रहा है, और मिला है कौन? हमारे खिलाफ तो नचनिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी खिलाफ नचनिया, ये हार मान चुके हैं। सबको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने निरहुआ कुछ नहीं है, तो हार मान के उसको दे दिए कि ताकि हार का ठिकला उसके सर पर फोड़े। वही हाल यहाँ गोरखपुर में है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है और यहाँ से एक और नाचने गाने वाले को लाकर जनता के सामने खड़ा किया गया है। पब्लिक के लिए क्या करेगा? पुलिस से बात कर पाएगा, अधिकारियों से बात कर पाएगा, आपकी समस्या को लेकर लड़ पाएगा? ये क्षमता उसके अंदर नहीं है। और यहाँ की जनता अच्छी तरह से समझती है कि हमारा नेता कौन है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि समय का अभाव है, कहना बहुत कुछ था और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब का इशारा हो रहा है।